राहुल गांधी पिछले कई सालों से जहां जाते हैं वहां अंबानी और अडानी का नाम लेना नहीं भूलते। यहां तक कि जिस नए कृषि कानून के विरोध में वे भाषण देते हैं तो उसमें भी अंबानी और अडानी का नाम लेते हैं। राहुल गांधी जब हम दो हमारे दो कहते हैं तो उनका इशारा हम दो से पीएम मोदी और अमित शाह की तरफ होता है, और जब हमारे दो कहते हैं तो उनका संकेत अंबानी और अडानी की तरफ होता है। हम दो हमारे दो का ये कांग्रेसी मायने है। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए उद्धव ठाकरे भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अडानी किसके साथ हैं। असल में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार दीघी पोर्ट बेचने के लिए अडानी को ही चुन रही है। सवाल ये है कि जब अडानी में इतनी ही कमियां थी तो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की मिलीजुली सरकार ने दीघी पोर्ट बेचने के लिए अडानी को ही क्यों चुना? मतलब साफ है, अब तक कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां अंबानी और अडानी के नाम का इस्तेमाल सिर्फ पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए करती रहीं, जिसकी हकीकत दिघी पोर्ट के सौदे के साथ सबके सामने आ गई है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 705 करोड़ रुपए में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर चुकी दिघी पोर्ट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। दिघी पोर्ट को अप्रैल में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा दिवालिया घोषित किया गया था। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के राजपुरी क्रीक के किनारे स्थित है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने बताया कि वे इसे जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट के वैकल्पिक गेटवे के तौर पर विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। ये पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और देश के 12 बड़े बंदरगाहों में से भी एक है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा दिघी पोर्ट के 100% स्टेक अडानी पोर्ट्स बेचने के बाद कंपनी के CEO करण अडानी ने कहा कि दिघी पोर्ट लिमिटेड के सफल अधिग्रहण ने अडानी पोर्ट के बंदरगाहों को बनाने के लक्ष्य में एक अन्य कीर्तिमान जोड़ा है, जिससे भारत के पूरे आर्थिक क्षेत्र में सर्विस कवरेज बढ़ेगा। उन्होंने कहा, कंपनी की ग्रोथ पर फोकस, अनुभव और अधिग्रहण करने की निपुणता के साथ इस अधिग्रहण के बाद उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी महाराष्ट्र में ग्राहकों को अपनी सेवा दे सकेगा, जिसके अंतर्गत बड़े औद्योगिक क्षेत्र मुंबई और पुणे क्षेत्रों का विकास शामिल है। कंपनी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और मरम्मत करेगी, ड्राई कंटेनर और लिक्विड कार्गोज के लिए सुविधाओं के विकास में निवेश करेगी। दिघी पोर्ट के विकास के विभिन्न उद्योगों जैसे उपभोक्ता उपकरण, धातु, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स और रसायन व्यवसाय महाराष्ट्र में निवेश को बढ़ावा देगा और महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को जबरदस्त बूम मिलेगा। दिघी पोर्ट को मूल रूप से मुंबई के उद्योगपति विजय कलंतरी द्वारा विकसित किया गया था। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।